मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट मिल गया। एंड मैम को कुत्ता कुत्ती बहुत पसंद है हमारा बोलना। खुद प्रैंक करता है तब नहीं होता कुछ, कोई सामने वाला कर दे तो। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? आई थिंक ही वॉज प्यूकिंग। हेलो, क्या मिल गया अंदर ऐसा है? क्या मिल गया? He got something, इसने इतना गहरा खोद दिया। ओ भाई, ये प्यार करवा लिया? Now let me do my work. Well guys, यहाँ का बीच का पानी तो उतना खास कुछ साफ है नहीं, तो अपन ने ट्राई किया अपने होटल का ही स्विमिंग पूल। एंड अभी ब्रेकफास्ट नहीं करा है, एंड ये चूंकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नहीं है तो इसको डिनाई कर दिया गया है। लड़के होने के फायदे, शॉर्ट भी चलेगा। अभी 11 बजे रमादा के जस्ट अपोजिट जुहू बीच है, वहाँ पर मैंने मीटअप के लिए बोला तो है। लेट्स सी कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं। असी जितने जावंगे गड्डी मोड़ंगे, चलने फिर सारे के सारे चले। आफ्टर लॉन्ग टाइम किसी होटल में और स्विमिंग पूल खुला है। अरे चलो ना, मुझे भूख लग रही है, चलो। वाह वाह वाह, सुनो कैलोरी बर्न करिए अभी स्विमिंग करते हुए। 5 अंडे बनते हैं आज के। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो तो छोले, चिकपी, लॉट्स ऑफ प्रोटीन अगेन, लिटिल बिट ऑफ कार्ब्स, एंड ये मैंने ले लिया है, बाकी पता नहीं मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, प्रोबेबली खा ही लूंगा। इडली, चिकपी, सांभर, साबुदाना एंड पूड़ी। गाइस, बहुत ही मस्त चीज हो गई मेरे साथ, शिल्पा मेरे को शॉपिंग करवा रही है। आई एम हियर लुकिंग फॉर दिस। कैसे लग रहा है? तो मुझे गिफ्ट कर रही है ना फाइनली। सीन ये हुआ, इस लड़की ने मुझे एयरपॉड्स तो दिए नहीं ना, उसके अभी तक मुझे पैसे मिले, मेरे कार्ड से मुझे बिल भी पे करना पड़ गया। शी इज मेकिंग अप फॉर द शूज। हां, मेरे को ना वाइट लेने से सिर्फ इसलिए डर लगता है जस्ट बिकॉज इट विल गेट डर्टी। हम खुद तो नहाते नहीं, दो दिन बाद नहाते हैं। मैं शूज को नहलाऊंगा, ये तो टास्क हो जाएगा। अगर मैं इसको रिजेक्ट करता ना, सिर्फ इसका यही रीजन होगा कि ये वाइट है और इसमें वाइट के ही ऑप्शन है। देयर, ये मैंने ऑलरेडी ले लिया, एक नीचे अभी रेड वाला आ रहा है। एक और महंगा खर्चा कर दिया गया है शिल्पा द्वारा। ये मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ पहन के क्या लिया एग्जैक्टली मैंने। फाइनली मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट मिल गया मुंबई की गलियों में। ये बेब्स, जल्दी चल लो यार, सब्सक्राइबर्स से भी मिलना है। उन्होंने पूरा पेड़ काट दिया लेकिन नेचर ऑलवेज प्रिवेल्स, पत्ते आ गए। आई डोंट नो इतने से पत्ते में ये फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहा होगा, बट हार नहीं मानी उस पेड़ ने। एंड दैट इज अ लेसन फॉर एवरीवन, फॉर पीपल लाइक अस। ओए होए, जाने मन क्या क्या लिया। ओशो, द वॉइस ऑफ साइलेंस, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स, गाइड टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसको तो मैं आपको घर पे दिखाता हूँ। शिल्पा का सरप्राइज ये तो था कि कल शी विल बी डायरेक्टली वेंट टू मुंबई, बट उसको ये नहीं पता था आज हमें वापस भी जाना है। उसको लगता है कि अभी हम यहाँ पर 2-3 दिन हैं, तो आई डोंट नो कैसे लेगी वो ये चीज़, बट रिवील कर देते हैं। बुबो, सामान पैक कर लो, सामान पैक कर लो, पैक कर लो, मतलब पैक कर लो, फ्लाइट है आज की। क्या? हाँ, कल शाम को तो हम यहाँ पहुँचे। तो शाम को नहीं पहुँचे, दिन में पहुँचे, 3 बजे 2 बजे कुछ। हाँ तो उसके बाद शाम ही हो गई। बुबो, सरप्राइज यही था कि हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हम डिनर, देख रहे हो कितना अच्छा पति तुम्हारा, तुम्हें सीधे मुंबई में डिनर करवा रहा है। अब पैक करो चलो, मतलब मैं नहीं जा रही। तो रुक जाओ यहाँ पर, आ जाना, मैं अपनी फ्लाइट से चला जाऊंगा। तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? डू यू सी मी स्माइलिंग फ्रॉम एनीवेयर? चल लो ना यार, ये क्या बात हुई? चल से, ठीक है, एनिवर्सरी जा चुकी है, प्यार हो चुका है, कल तो हम आए हैं। तो रो रहा है? I hate you. You cannot hate me. I hate you. I'm the best husband you have ever got. I seriously hate you. ऐसे कौन करता है? सेंटेंस सही नहीं आएगा। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा, ये भी सही नहीं है, क्या बोलूं, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा पति हूँ। कम से कम बंदा 1-2 दिन कुछ तो रुकता है, कहीं गए भी नहीं। हो गया, अब चुपचाप से सामान पैक करो, चलो। सामान पैक कर, सामान पैक कर, सामान पैक कर, सामान पैक कर, मैं नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं आना। Alright guys, finally we have a lot of our family member, that is Cree Life Gang. Aman, Sahil, Sujitra ma'am, Nikhil, फिर से बता दो,
ऋतिक भाई चुप हो जा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा, बट ठीक है, अच्छा लगा मुझे कि हमारे पास भी फैन फॉलोइंग है चाहने वाले हैं। हाँ, इट वॉज वेरी नाइस टू मीट यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड मैम को कुत्ता कुत्ती बहुत पसंद है हमारा बोलना इसी बात पे एक बार बोल दो, एक बार बोल दो, मैं सह लेगा, मैं बोल देता हूँ कुत्ती। टाइम टू चेक आउट द रूम। बुबू बुबू बुबू, आई थिंक शी इज नॉट हैप्पी। अच्छा रूम था यार। बेब्स रुक जाए यार मेरे लिए। आई वुड से हमारे पास ना काफी अच्छी और मैच्योर ऑडियंस है। जयपुर में भी हम लोग मिले ना, बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ मुंबई में भी मिलके, मेरा सेकंड मीटअप था बाय द वे, बहुत अच्छा लगा। मुंबईकर्स रॉक्स। बुबू बुबू स्टिल एंग्री, इतना अच्छा सरप्राइज दिया कल, राइट नाउ यू आर एंग्री। अरे अभी नेक्स्ट महीने जाना है ना, बात नहीं करोगे मेरे से? नहीं करोगी? ऐसा कैसे नहीं करोगी? सेंड खाना है। ये भी वन ऑफ द चॉइस है मेरी गाड़ी की, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है, आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक। पता नहीं कितनी सेफ है ये गाड़ी, लेकिन मस्त है। क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी? देखो तुम बात नहीं कर रही हो, ऊपर से तुम कोस्टा कॉफी से छाछ मांग रही हो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? लेमन राइस रवा केसरी विद फिल्टर कॉफी। बुबू बुबू बुबू। वेल गाइस, माय वाइफ, माय अर्धांगी, माय वोटी इज नॉट टॉकिंग टू मी। कोई पिकअप लाइन मार के देखो। हे बुबू, मुझे ना तुमसे अब रेंट लेना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि तुम दिल में मेरे हमेशा रहती हो। पटीरे 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 पटी क्या? नहीं, मैं तुमसे गुस्सा ही। गाइस आप सिनेमैटिक एंजॉय करो। पागल, बीच एयरपोर्ट पे लड़ रही हो तुम मेरे से? Finally, at least you talked. Guys, इसने पूरे रास्ते बात नहीं करी है मेरे से। क्यों करूँ? तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। गोबर खा ले। तुम खा ले। जल्दी लेकर आओ ना। तुम उठा लो। सिर्फ शूट करने का बचा है। पूरे रास्ते तुम कैब में सोई भी थी, ठीक है? और ये इसका कवर क्या है? निकलते हुए फट गया। डरता नहीं हुआ तुमसे? कभी सोच रही हो? पहले नॉक करना होता है। बेल, देयर वाज अ रीजन कि हमने बेल इंस्टॉल करवाया था। हाँ, वो बाकी होगी, ठीक है, अपने लिए नहीं है। चल, इज़ लड़की इंडियन इंसान। यार निजी पागल वागल है क्या? यार हद है यार मम्मी, ये देखो बैग खुला। पूरी गीली हो गई हूँ। तेरा दिमाग खराब है? उसको लगा तुम लोग गर्मी से आ रहे हो, तुम्हें ठंडा करने के। तो वहाँ पर फिर मुंबई में सबको नहलाते फिरते ना? हाँ, तो और खुद भी नहाते। प्रैंक वाले के साथ ऐसे ही प्रैंक कोई भी कर सकता है। उसने पानी को फेंका उस पे, अभी जाता फिर बिजली चली जाती और मजा आ जाता। मजाक चल रहा है ना यहाँ पर? ये देखो तुम्हारी मुक्ति गई। दिमाग खराब ही हो रहा है मेरा, बिस्तर उस पे इसको साफ कर। हेल्प करो। क्या चल रही है? क्या चल रहे? अरे मैं पूछ दूंगी ना। तो पूछो ना। ओ ओ देखो मम्मी, मजा आई गीला करने में? इसे कहते हैं प्रैंक। इसे कहते हैं प्रैंक गॉन रॉन्ग।
खुद ने प्रैंक करा तो देखो तो ऐसे करेगा क्या? हाँ रुला दिया ना उसको। भाभी ने भी हेल्प करी है। मैंने कुछ नहीं करा। बाप मैंने भी देखा, मैंने देखा ना वीडियो में भी आया। मैं तुम लोगों को जानती ही नहीं। वेलकम कर रही थी जो कि गर्मी से आया है और तूने क्या किया? तो मैंने भी सर्दी में सर्दी का एहसास दिला दिया। सर्दी यहाँ तो सर्दी है ना अभी। रोन का चश्मा टूट गया। तूने रुलाया अपनी बहन को? ये भाभी का ही प्लान था। तुमने फोन किया होगा डेफिनेटली इन दिनों में से किसी को कि घर में आते ही पानी डाल देना, और वो तुम्हारे पे गलत हो गया और तुम सबसे पहले तुम ही आगे चली गई। मे भी तुम भूल गई होगी। हाँ मुझे पता है। मम्मी मेरे नाइस शूज आ देखो ये गीले हो गए। एक और खर्चा इसने मुझे गिफ्ट करा है, इसने खर्चा किया है। जबरदस्ती गिफ्ट लेगा तो देखो आ देखो सीख लो मना करने का। नाइकी के एयर फोर्स वन गाइस कैसे? ये मेरा कॉलेज टाइम से मेरा सपना था कि यू नो नाइकी का एक एयर फोर्स वन और जॉर्डन। तो खैर डिस्कंटिन्यू। इससे भाई सीखे और ये है कितने का? और ये है कितने का? 2000 बस इतने के आते हैं। आगे एक और लगा देना। 20,000 तो नहीं है। 2000 के आगे एक लगाना तो 12,000 हो गए। मम्मी 2000 के सच्ची झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। कसम खाओ खाओ अब बोल। वो जो मकड़ी है उसकी माँ की कसम, उसको माँ की कसम खाने का। वो ही नहीं सकता है कि इतने सस्ते हो ये सूट। डिजाइन बना हुआ है बस पीछे ज्यादा हो रहा है। मतलब नाइकी की बेइज्जती। खैर गाइस होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड नॉट ड्रिल पहनो ना मम्मी। लेने से पहले ना ऐसे मार। अबे ओ इट्स नाइकी मम्मी। इट्स नाइकी यार। मम्मी 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 चोट लगा कि नहीं? किससे? इससे नहीं लगा। मम्मी 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 जूते मारने के लिए नहीं है ना ये तो अब ट्रायल पे है। पहले मार के देखो। अरे यार मम्मी क्यों बेइज्जती मार रही हो बेचारों की? एयरफोर्स वन की बेइज्जती हो रही है। तेरा दांत तोड़ दूंगा मैं सामने वाले। ये मेरे शूज है उसी को पहनता है और अभी मम्मी को आइडियाज दे रहा है। हाँ मम्मी आप पहनो। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना बताया क्या भैया शूज पहनो। हाँ तुम जो तो ये डबल साइड से खेल रही हो ना तुम। एक घुसंड पड़ना है ना तो आदमी उठता नहीं जाता है। मम्मी आपको मैं कॉलेज में बोलता था ना कि मेरे को एक अच्छे वाले नाइकी के शूज। सिर्फ शूज कॉलेज के टाइम गाइस मुझे शूज के बहुत शौक है स्पेशली स्नीकर्स। हमारी बनवा ले और उसमें सिर्फ शूज शूज डेकोरेट कर ले। ये भी प्लान है शूज डेकोरेट कर ले। शूज विद दैट सेड हंसते रहो हंसाते रहो खुशियां बांटते रहो फिर मिलेंगे चलते चलते। ये बीसी चलती रहेगी। बूम मेरे नाइस स्नीकर्स देख निधि। मुझे नहीं देखना निधि। कुछ कोई सामने वाला कह दे तो ऐसे तो आग लगती है इसको। हाँ कहाँ लगती है?